हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, एग्ज़ाम हुआ था जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का 28 जुलाई 2019 को। तो उसका जो है जीके पोर्शन देखेंगे, तो ये जो है सीरीज़ बी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है जीके का, वो रहता है ऊहल इज योर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ऊहल हिमाचल प्रदेश की निम्न किस नदी की सहायक नदी है? तो ऊहल जो है ब्यास नदी की सहायक नदी है। द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो कौन सी है? रेणुका झील, सिरमौर जिले में। फेमस रॉरिक आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सुप्रसिद्ध रॉरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पर है? नगर कुल्लू में। विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ इट्स बॉर्डर विद सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन एंड मंडी? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सिरमौर, उत्तराखंड, सोलन तथा मंडी की सीमा पर है? तो कौन सा है? शिमला। विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011? तो जनसंख्या 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व में उच्चतम है? तो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी हमीरपुर जिले की, तो उसमें नन ऑफ दीज आएगा। नेक्स्ट है यमुना रिवर एंटर्स हिमाचल प्रदेश एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज? तो यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में निम्न किस स्थान में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी की बात करें तो ये खुदरी माजरी में जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। वो सेड अबाउट स्पीति दैट दिस प्लेस इज नॉट नो प्लेस फॉर मैन। तो किसने स्पीति के बारे में कहा था कि यह स्थान मनुष्यों के लिए रहने योग्य नहीं है? तो किसने कहा था? रुडयार्ड किपलिंग ने, ऑप्शन सी। हु फाउंडेड द मंडी टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो किसने हिमाचल प्रदेश का मंडी शहर स्थापित किया था? तो किसने किया था? अजमेर शहर ने 14th century में। सोलासिंगी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सोलासिंगी किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है ऊना जिले में, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज पॉपुलरली नोन एज कविराज? तो हिमाचल प्रदेश के निम्न किस व्यक्तित्व को कविराज के नाम से जाना जाता है? तो पंडित पद्मदेव को जाना जाता है कविराज के नाम से। राजा दुर्गा सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के निम्न किस राज्य का अंतिम शासक राजा दुर्गा सिंह था? तो राजा दुर्गा सिंह की बात करें तो ये बघाट के अंतिम शासक थे। एचपी फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चायल, सोलन जिले में है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 2006 में। हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। लॉर्ड महावीरा डाइड एट? तो भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। विद हुम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड? तो जूनागढ़ शैल अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रुद्रामन से, ऑप्शन ए। हु बिल्ट बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजोर? तो तंजोर में बृहदेश्वर मंदिर किसने निर्मित करवाया था? तो किसने किया था? राजराज चोला ने, ऑप्शन सी। द कैपिटल ऑफ द यादवा रूलर वाज? तो यादव शासकों की राजधानी थी कल्याणी। विच वाज द सेकेंड कैपिटल ऑफ अकबर? तो अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सिकरी। हु बिल्ट हवा महल? तो हवा महल किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर में। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? तो निम्न में से किसने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से भेंट की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। आर एस मार्ज इन 1875 वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो 1872 में आर एस मार्ज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बॉम्बे में ही हुई थी, ऑप्शन बी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? तो भारतीय संविधान जो है वो है क्वासी फेडरल, यानी कि उपसंघात्मक। What is the basis of recognition of minorities in Indian Constitution? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता का आधार क्या है? तो क्या है? Religion, यानी कि धर्म। What is the retirement age of the Prime Minister of India? तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसकी जो है कोई भी लिमिट नहीं रहती है, ऑप्शन डी। In which year House of People was named as Lok Sabha? तो किस वर्ष जो है House of People का नाम लोकसभा का किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1954 में। इक्विनॉक्स अकर्स व्हेन द सन इज वर्टिकली अबव? तो समान दिवस रात्रि तब आती है जब सूर्य ठीक
उद्भव होता है किसके, होता है इक्वेटर के यानी कि भूमध्य रेखा के। विच बायोम इज नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो कौन सा बायोम जो है विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड को यानी कि मध्य अक्षांश घास का मैदान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ओशन करंट, तो निम्न में से कौन सी एक ओशन कटबंधीय और समुद्र धारा है, तो कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्री विद हाउ मैनी कंट्रीज, तो पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा रेखा साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है, तो कौन कौन से देश है, बांग्लादेश सिक्किम और नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया, तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में अवस्थित है, तो इनमें से जो है कोई भी जो है माउंटेन रेंज इंडिया में नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाई, तो भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है RBI के द्वारा। ऑप्शन सी। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, तो कौन सा एक प्रोग्रामी कर का उदाहरण है, तो कौन सा है, इनकम टैक्स। लाइफ स्पैन और ऑफ RBC ऑफ मैन इज, तो पुरुष में RBC का जीवन काल होता है 120 डेज का। बॉल पेन फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करती है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव प्रिंसिपल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी बीटन इंटू शीट्स, तो निम्न में से किसकी चादरें नहीं पीटी जा सकती है, तो किसकी नहीं पीटी जा सकती है, पोटेशियम की। जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज ऑफ, तो पीलिया निम्न किसके रोग का लक्षण है, तो ये लीवर के रोग का लक्षण है। लेमन इज सॉर ड्यू टू, तो नींबू के खट्टा होने का कारण है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है पोटैटो, जैसे कैरेट से संबंध रखता है वैसे रेडिश रखता है ग्राउंडनट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ बैग इज 71 देन वाइस इज, तो बात करें बैग की तो इसमें जो है अल्फाबेट की अगर पोजीशन को रिवर्स किया जाए तो जो ए की पोजीशन रहती है 26, बी की रहती है 25 और जी की रहती है 20 20, तो इसको जो हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 71। और ऐसे ही अगर हम वाइस की जो अल्फ़ाबेट जो पोजीशन जो रिवर्स करके लिखे तो वी की आएगी 5th, ए की आएगी 18th, आई की 18th आएगी, सी की 24 आएगी और ई की 22 आएगी, तो इसको जो है प्लस करके आएगी 69, तो 69 इसका सही आंसर आएगा। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 131 फीट इंडोर वाटरफॉल हैज़ रिसेंटली ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो विश्व का सबसे ऊंचा 131 फीट का इंडोर जलप्रपात हाल ही में निम्न में से किस देश में प्रदर्शन हेतु खोला गया, तो ये हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड द 2019 वर्ल्ड बुक कैपिटल, तो निम्नलिखित शहर को हाल ही में विश्व पुस्तक राजधानी 2019 घोषित किया गया है, तो किसे किया गया है, शारजा को। डू नॉट इनवेड अदर्स प्राइवेसी। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द इडियम एंड इन स्मोक इज, तो इस इडियम का जो अर्थ रहता है वो रहता है कम टू नथिंग। एंटोनियम्स ऑफ डेलीटेरिस इज, तो डेलीटेरिस का जो एंटोनियम्स जो रहता है वो रहता है बेनिफिशियल, डेलीटोरिस का जो मतलब रहता है अर्थ रहता है वो रहता है हानिकारक, तो बेनिफिशियल रहेगा लाभदायक। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द रहता है दुनिया। ऑप्शन बी। जन्म रोगी में समास की बात करें तो इसमें है तत्पुरुष समास, और नयन का जो संधि विच्छेद जो रहता है वो रहता है ने जमा अन। ऑप्शन डी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।